अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 3 है 4.5 एक्सरसाइज है। फोर्थ यूनिट चल रहा है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में आप लोगों ने जो मेन चीज़ हमारी साइन होती है, हम लोगों ने साइंस को देखना होता है। आपने मल्टीप्लिकेशन की थी, अब हम लोगों ने इसके अंदर डिवीजन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है +36 डिवाइडेड बाय +9। सोल्यूशन क्वेश्चन को हम पहले रीराइट करेंगे। +36 डिवाइडेड बाय +9। अब यहाँ पे +36 को डिवाइड कर लेंगे +9 से। 9 से डिवाइड करें, हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 9 के टेबल में, क्योंकि 36 आते हैं। 9 ones are 9 एंड 9 4s are 36। सेम साइन थे आंसर के साथ, +4 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 -126 डिवाइडेड बाय +14। क्वेश्चन को रीराइट किया पहले, -26 डिवाइडेड बाय +14। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे +14 से। अब आप लोगों से कहा था कि टेबल्स आप लोगों ने अपनी टेबल्स की लर्निंग करनी है, 16 तक टेबल्स आप लोगों को आने चाहिए। यहाँ पर इसकी मैं कैलकुलेशन 2 से भी कर सकती हूँ, लेकिन 14 में हमें पता है 126 आता है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 14 ही करेंगे। 14 ones are 14 एंड 14 nines are 126 प्लस और माइनस, तो आंसर के साथ क्या आएगा -9। ठीक है, -9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -126 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पार्ट -189 डिवाइडेड बाय -21। -189 क्वेश्चन को रीराइट किया, -21। ठीक है, अब यहाँ पे -189 डिवाइडेड बाय -21। 3 7 के टेबल में हमें 7 3s are 21 आता है, 7 के टेबल में 189 भी आता है, तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अच्छा जी, 7 3s are 21, 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के साथ से इंसान आ रही है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस से कटिंग हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस 3 के साथ हम +27 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन हमारे पास आता है, यहाँ पर हो जाएगा। अब दोनों 27/3, ये माइनस कटिंग हो गया, खत्म हो गया उसको। ठीक, अब यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेंगे डिवाइडेड बाय 3। 3 ones are 3 और 3 9s are 27। आंसर हमारा +9 में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, क्योंकि हम 21 को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -189 रहेगा। आपको ये भी पता है ना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है, तो हमने मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालने होते हैं, तो सेम वही वाला प्रोसीजर होता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको डिवाइड किया। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज़, हमेशा साइंस का ख्याल रखना है। इन टीचर्स में बेसिक चीज़ ही साइन है। होमवर्क दे रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 1 का 6 9 और 10 पार्ट आप लोगों ने होमवर्क में करना। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें। जो चीज़ नहीं समझ में आती